नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन में मैं फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ 18वें एशियन गेम 2018 के विविध फैक्ट्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। इस बार जो 18वें एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे उसका स्थान जकार्ता और पालेमबेंग इंडोनेशिया में रखा गया था। यह पहली बार हुआ है जब एशियन गेम्स दो सिटी में आयोजित किए गए हैं। एशियाई खेल 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 तक आयोजित किए गए। इस बार इस खेलों का मोटो एनर्जी ऑफ एशिया रखा गया है और मस्कट तीन चीज़ों भिन्न भिन्न अतुंग और काका को बनाया गया है। जो मेन स्टेडियम था वो गिलोरा बैंग कारोनो स्टेडियम था। नेक्स्ट जो एशियन गेम 2022 में आयोजित किए जाएंगे वो हांगझो चाइना में आयोजित किए जाएंगे। इस बार इंडिया की तरफ से फ्लैग बीयरर ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा थे और जो क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है आज उसमें फ्लैग बीयरर रानी रामपाल को बनाया गया है। अगर हम मेडल टैली की बात कर लें तो प्रथम स्थान पर चाइना, द्वितीय स्थान पर जापान, तृतीय स्थान पर साउथ कोरिया, चौथे स्थान पर इंडिया। अगर हम मेडल्स की बात करें तो चाइना को 132 गोल्ड मेडल, 92 सिल्वर मेडल, 65 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 289 मेडल्स मिले हैं। अगर जापान की बात की जाए तो 74 गोल्ड मेडल, 56 सिल्वर, ब्रॉन्ज 74 और टोटल 204 मेडल्स मिले हैं। साउथ कोरिया को 49 गोल्ड, 57 सिल्वर और ब्रॉन्ज 70, टोटल 176 मेडल्स प्राप्त हुए। इंडोनेशिया होस्ट कंट्री थी, उसे 31 गोल्ड, 24 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज, टोटल 98 मेडल्स मिले हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज, टोटल 69 मेडल्स मिले हैं और इंडिया की पोजीशन 8th पोजीशन रही है अगर रैंकिंग की बात की जाए तो। अब एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट देख लेते हैं। कुल 15 गोल्ड इंडिया को मिले हैं, तो देखते हैं एक एक करके। बजरंग पुनिया रेसलिंग के लिए मिला है 65 kg कैटेगरी में, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट, इन्हें भी रेसलिंग के लिए मिला है वुमेन रेसलिंग 50 kg कैटेगरी में और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सौरभ चौधरी, इन्हें शूटिंग के लिए मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए और ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रानी सरोनोवत, इन्हें शूटिंग के लिए मिला है 25 मीटर पिस्टल में, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो में इन्हें मिला है, इन्होंने 88.06 मीटर जैवलिन को थ्रो किया था और ये भी हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। अरपिंदर सिंह, एथलेटिक्स में इन्हें मिला है ट्रिपल जंप में, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। और मनजीत सिंह, इन्हें भी एथलेटिक्स में मिला है 800 मीटर में और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तजिंदर पाल सिंह, एथलेटिक्स में शूट पुट में इन्हें मिला है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। स्वप्ना बर्मन, हेप्टाथलॉन में मिला है जो 7 इवेंट्स का एक कंबाइंड इवेंट होता है और वे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। जिनसन जॉनसन, इन्हें एथलेटिक्स में मिला है 1500 मीटर रेस में, एक केरला से बिलोंग करते हैं। अमित पंगल, इन्हें बॉक्सिंग में 49 kg में मिला है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रोहन और दिविज को टेनिस में मेंस डबल्स इवेंट में दिया गया है गोल्ड मेडल। अब प्रणव और शिवनाथ को ब्रिज गेम में गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं। अगर टीम इवेंट्स की बात करें तो रोरिंग में एक गोल्ड मेडल मिला है और दूसरा गोल्ड मेडल 4x400 मीटर रिले रेस में मिला है जिसमें हिमा दास भी एक प्लेयर थी और उनके अलावा 3 प्लेयर्स और थे। तो ये हो गए 15 गोल्ड मेडलिस्ट। अगर मेडल की जेंडर एनालिसिस की बात करें तो इस बार मेल को इंडिया की तरफ से जो 69 मेडल्स आए हैं उसमें 38 मेडल मेल को मिले हैं जिसमें 11 गोल्ड मेडल हैं। फीमेल को 27 मेडल मिले हैं जिसमें 4 गोल्ड मेडल मिले हैं।
अगर मिक्स्ड इवेंट की बात की जाए तो टोटल 4 मेडल मिले हैं, लेकिन गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला है। अगर स्पोर्ट्स वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स से आया है, 19 मेडल आए हैं जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं। शूटिंग में 9 मेडल आए हैं जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, और रेसलिंग में 3 मेडल आए हैं जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं। अगर कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लें तो पहली बार एशियन जो खेल हैं वो 1951 में न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इंडिया के बेस्ट परफॉर्मेंस 2018 इसी बार के गेम में रहा है, जब इंडिया ने 69 मेडल जीते हैं। इससे पहले इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में था, जब इंडिया ने 65 मेडल जीते थे। और इस बार सबसे जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से वो प्रणव वर्धन है ब्रिज में, जो कि 60 प्लस हैं। इंडिया में 2 बार अभी तक एशियन गेम आयोजित किए जा चुके हैं, 1982 में और 1951 में। तो ये रही एशियन गेम्स के बारे में सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इतने फैक्ट्स को याद कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।